हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग मॉस्किटो बैट रिपेयर करना सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे मॉस्किटो बैट में कोई भी कमी आए, आप उसको 100% इस वीडियो को देखने के बाद रिपेयर कर पाएंगे। तो जो मॉस्किटो बैट है ये काम कैसे करता है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या होता है कि इसमें एक सर्किट लगा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ये बैटरी है। मॉस्किटो बैट में ये जो सर्किट होता है इसमें दो सेक्शन है, एक चार्जिंग सेक्शन है बैटरी को चार्ज करने के लिए, दूसरा इस बैटरी से हाई वोल्टेज जनरेट करने के लिए है। तो हाई वोल्टेज हमारा जनरेट होकर यहाँ पे जाली में आता है, और जब जाली में कोई भी मच्छर जाली के संपर्क में आता है तो उस हाई वोल्टेज के कारण मच्छर जो है संपर्क में आने पे झुलस जाता है, मर जाता है। तो कुछ इस तरह से ये हमारा मॉस्किटो बैट जो है काम करता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे जाली अलग कर ली है, ये हमारा इसका सर्किट है, ये हमारी बैटरी है, ये हमारे एसी इनपुट के पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आपको एक काम करना है कि चिमटी ले लेनी है और इसके जो ये हाई वोल्टेज जो हमारी जाली में गए हैं ये वाले पॉइंट्स आपको शॉर्ट कर देने हैं। कहीं भी इसमें करंट जो है स्टोर नहीं रहना चाहिए जिससे आपको प्रॉब्लम हो। इसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी बैटरी का जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको टेस्ट करना है मल्टीमीटर से। यहाँ पे मैं अपने जो बनाया हुआ मल्टीमीटर है इससे इसका वोल्टेज जो है टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। इसका वोल्टेज आप देख पाएंगे, ये बैटरी बिल्कुल डेड कंडीशन में, कोई वोल्टेज नहीं शो कर रही है। अगर मैं इसकी जगह पर सही बैटरी जो है इसका वोल्टेज टेस्ट करता हूँ तो आप देख पाएंगे ये हमारी बैटरी 3.73 वोल्ट हमारी शो कर रही है। तो इस बैटरी को जो ये बैटरी इसमें लगी है, ये बैटरी 4 वोल्ट की बैटरी होती है, इसको 4 वोल्ट आउटपुट देना चाहिए। तो यहाँ पे चूंकि बैटरी हमारी आउटपुट नहीं दे रही है तो ऐसी कंडीशन में हमारी बैटरी खराब होती है। तो इसकी जगह पे हम दूसरी बैटरी रिप्लेस करेंगे और उसके बाद हम इसको ऑन करके और फिर यहाँ पर बटन जो पुश बटन दिया है इसको दबा के देखेंगे कि हमारा आउटपुट वोल्टेज आया कि नहीं। यहाँ पर आप एक बार प्रेस करेंगे इसको तो यहाँ पर कैपेसिटर में करंट स्टोर हो जाता है, जिसके बाद आप स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसकी जाली को शॉर्ट करके देखेंगे। अगर करंट आया होगा तो यहाँ पे शॉर्ट होने पे आपको चिंगारी दिखाई देगी। इसके बाद भी अगर आप बैटरी रिप्लेस कर देते हैं फिर भी आपका करंट जो है नहीं आउटपुट हो रहा है, या बैटरी हमारी सही है फिर भी हमारा करंट आउटपुट नहीं हो रहा है, तब आपको क्या करना है, तब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो दोनों कनेक्शन है इनको खोल लेना है। मैं आपको यहाँ पे सारा प्रोसेस जो है बता दूंगा, आप देखते रहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसका जो कनेक्शन है जाली का इसको खोल दिया है। जब हमने बैटरी पता कर ली कि हमारी बैटरी सही है फिर भी हमारा आउटपुट नहीं हुआ है तो हमने जाली खोली। जाली में अब हमें क्या करना है, जाली के जो दोनों ये वायर हैं आप देख पाएंगे ये दो कलर के वायर एक से दिख रहे होंगे और ये एक अलग कलर का वायर है। तो ये जो दोनों वायर हैं ये एक साथ हैं, ये कॉमन वायर हैं। जो दो कलर के वायर हैं ये बाहर की दोनों जालियों के लिए है और जो अंदर की जाली है उसका ये रेड वायर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में लगा लेना है और इनको आपस में टेस्ट कर लेना है। मल्टीमीटर को मैं कंटिन्यूटी में लगा लेता हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर जो है कंटिन्यूटी में लगा लिया है। अगर शॉर्टिंग हो गई तो मल्टीमीटर हमारा वीप देगा। अब हम क्या करेंगे, रेड वाले वायर जो एक सिंगल कलर का वायर है इसके साथ में एक एक करके दोनों वायर टेस्ट कर लेंगे, इनको वीप नहीं देना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं दोनों वायर टेस्ट कर रहा हूँ लेकिन ये वीप नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा जो ये जाली वाला सेक्शन है ये बिल्कुल सही है, हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसको हम साइड में रख देते हैं चूंकि ये हमारा बिल्कुल ओके है। अब हम सर्किट पर आ जाते हैं कि हमारे सर्किट में क्या कमी है। मैं सर्किट की कमी अब आपको एक एक करके डिटेल में बता देता हूँ, सर्किट की कमी आपको बताता हूँ। देखिए, अगर बैटरी हमारी चार्ज नहीं हो रही है तो यहाँ पर आप पीएफ चेक कर लेंगे, पीएफ आपका तो नहीं फटा है। अगर पीएफ फटा है तो पीएफ आप बदल देंगे, या जो पीएफ की वैल्यू दी है वो 684J 400 वोल्ट, यानी ये 0.68 माइक्रोफेरड और 400 वोल्ट का पीएफ है, आप इस पीएफ को रिप्लेस कर देंगे तो ये बैटरी जो है चार्जिंग होने लगेगी। अगर हमारी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, बैटरी वोल्टेज नहीं शो कर रही, तब आप ये कंडीशन तब आप ऐसा करेंगे। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि मान लो हमारा बैटरी चार्ज हो रहा है, बैटरी हमारी फुल चार्ज है, 4 वोल्ट है, फिर भी हमारा आउटपुट नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इसका ये स्विच देखेंगे, ये जो स्विच है इसको एक्टिवेट करने के लिए ये स्विच जो है ये अक्सर खराब हो जाता है। तो जब ये स्विच हम मान के चलते हैं कि ये स्विच हमारा सही है या खराब है ये हम कैसे टेस्ट करेंगे, तो आप इसको भी कंटिन्यूटी में टेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि इसको हमने ऑन कर दिया, दोनों पॉइंट्स पे आप मल्टीमीटर की प्रोब्स जो हैं इनको रखेंगे तो मल्टीमीटर वीप देगा। अगर मल्टीमीटर वीप नहीं दे रहा है तो आपका ये स्विच खराब है, आपको स्विच रिप्लेस करना है। इसी तरीके से अगर ये मान लेते हैं स्विच हमारा सही है फिर भी हमारा आउटपुट नहीं निकल रहा है, तब ऐसी कंडीशन में आपको ये जो बटन है पुश बटन ये आपको टेस्ट करनी है। इसको भी आप मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में रख के, तो मल्टीमीटर की दोनों प्रोब्स जो हैं इनको हम पुश बटन पे लगाते हैं और पुश बटन प्रेस करते हैं तो ये वीप का साउंड दे रहा है, तो इसका मतलब पुश बटन भी हमारी सही है। अब ऐसी कंडीशन में जब हमारी ये
एक्टिवेट बटन और पुश बटन दोनों सही हैं, तब आगे क्या कमी होगी। तब यहाँ पे आप देखेंगे हमें नेक्स्ट चीज़ जो टेस्ट करनी है वो है हमारा ये ट्रांजिस्टर। ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे आपको 882 नंबर या 880 नंबर या 1351 नंबर का ट्रांजिस्टर आपको लगा मिल सकता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1351 नंबर है ये, तो ये NPN ट्रांजिस्टर होते हैं। और जैसे अगर 882 लगा है तो 1351 जब आप लगाएंगे तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, क्योंकि 1351 और 882 के इंटर बेस कलेक्टर जो होते हैं वो आपस में उल्टे होते हैं। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान देना कि इसमें जो ट्रांजिस्टर लगा है अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहा है तो आप नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिए कि कौन सा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, और उसकी जगह पर मैं बता दूंगा कि कौन सा ट्रांजिस्टर आप कैसे लगाएंगे, उल्टा लगाएंगे या सीधे लगाएंगे। बाकी आप गूगल कर लेंगे तो आपको वहाँ पर जानकारी हो जाएगी पिनआउट्स की। अब मान लेते हैं ये ट्रांजिस्टर भी हमारा सही है, फिर हमारी क्या कमी होगी। तो यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर है, इसमें कमी आती है। अब ये ट्रांसफार्मर जो है बिल्कुल सिंपल सा होता है, इस पर मैंने एक वीडियो पहले से ही अपलोड किया है। अगर आपका ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल बेकार हो गया है, ख़राब हो गया है, आउटपुट वोल्टेज कम निकल रहा है या बिल्कुल नहीं निकल रहा है, ऐसी कंडीशन में ये ट्रांसफार्मर ख़राब होता है, तो ये ट्रांसफार्मर कैसे बनाना है तो वो वीडियो आप देख के इस तरह का ट्रांसफार्मर जो है आप बना पाएंगे। अब नेक्स्ट चीज़ जो आपको टेस्ट करनी है वो क्या करनी है, यहाँ पे आप देखेंगे अगर फिर भी आपका ट्रांसफार्मर सही है और आउटपुट वोल्टेज जो है वो नहीं निकाल रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें हाई वोल्टेज डायोड लगे हुए हैं। ये हाई वोल्टेज डायोड जो है ये शॉर्ट हो जाते हैं, तो इनको आपको टेस्ट कैसे करना है, ये हाई वोल्टेज डायोड जो है इनको आप डायोड टेस्टिंग मोड में लगा के आप टेस्ट कर लेंगे। इसके बाद आप देख पाएंगे यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पीएफ कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये भी हाई वोल्टेज पीएफ कैपेसिटर होते हैं, 1 किलो वोल्ट या 2 किलो वोल्ट के कैपेसिटर होते हैं। तो यहाँ पे ये पीएफ भी हमारे शॉर्ट हो जाते हैं, तो इनको भी आप मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी में लगा के टेस्ट करेंगे, इनको कोई भी वैल्यू शो नहीं करनी चाहिए, तो ये हमारे सही होंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे एक ये बड़ा सा कैपेसिटर पीएफ लगा हुआ है, ये लगभग 2000 वोल्ट या 3000 वोल्ट का पीएफ कैपेसिटर या 2500 वोल्ट का पीएफ कैपेसिटर होता है, तो ये भी हमारा कई दफ़े क्या होता है ख़राब हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है या फट जाता है। ये चूंकि पूरा जो चार्ज हमारा सर्किट निकालता है वो पूरा चार्ज ये हाई वोल्टेज ये पूरा स्टोर करता है अपने अंदर, और जैसे ही जाली में कोई भी मच्छर जो है वो आता है तो ये पूरा जो चार्ज है हाई वोल्टेज का वो पूरा डिस्चार्ज कर देता है, यानी उसको पूरा जला के राख कर देता है, मच्छर जो है पूरी तरीके से मर जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा चार्ज स्टोर करता है, अगर आउटपुट में आपको करंट नहीं मिल रहा है, आपको आउटपुट में हाई वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तब ये हमारा जो कैपेसिटर है ये कैपेसिटर ख़राब होता है। तो इसको कैपेसिटर को भी आप इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप में जाके आप इसको सेम वैल्यू का आप कैपेसिटर लेके और आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर आपका ये सर्किट पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है तो इसका जो हाई वोल्टेज वाला सेक्शन है ये सेक्शन आप खुद से बना सकते हैं। मैंने इस पर 2-3 वीडियो पहले ही अपलोड किए हुए हैं, उनके लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप मुझे कमेंट करके अगर लिंक मांगेंगे तो मैं आपको कमेंट में भी लिंक दे दूंगा, जिनको देख के आप ये जो हाई वोल्टेज वाला सेक्शन है ये पूरा बना पाएंगे, बड़ी आसानी से बन जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।